केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बीते चार दिनों से हरियाणा में हिंसा जारी है। हरियाणा के नूह में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और जन जन की संपत्ति का विनाश किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा सरकार अब सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के नूह में सोमवार 31 जुलाई को भीषण हिंसा के मामले में अब खट्टर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने नूह और गुरुग्राम के सोहना में हुई हिंसा के बाद अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां भी तैनात हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस हिंसा के किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। इस दंगे को अंजाम देने वाली ही नुकसान की भरपाई करेंगे। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट की जांच के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है। इसी के साथ ही नूह में 5 अगस्त तक इंटरनेट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पलवल, फरीदाबाद, सोहना, मानेसर और पटौदी में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।